हेलो एवरीबडी वेलकम बैक टू द चैनल और इफ़ यू हैव नॉट बीन लिविंग अंडर अ रॉक तो कल काफ़ी हैविक क्रिएट हो गया था लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ऐसे बॉम्बार्ड कर दिया समर्थ की वेबसाइट को बट फाइनली uh, हमारे पास रिस्पॉन्स और प्रोविजनल आंसर की दोनों चीजें आउट हो गई हैं इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आंसर की कैसे चेक करना है रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है चैलेंज का क्या प्रोसेस है हल्का सा कुछ बात करते हैं स्कोर प्रोडिक्शन का कि किस कॉलेज पे आपको कौन सा सॉरी स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है सोन एंड सो फोर्थ प्लस एक प्रॉब्लम भी कुछ बच्चों ने मुझे टेक्स्ट किया था कि भैया कुछ एग्जाम्स के हमारी एक शिफ्ट की हमें आंसर की नहीं दिख रही है शीट टू रिस्पॉन्साइज तो उसका क्या प्रोसेस है हम उस बारे में भी बात करते हैं ठीक है तो लेट स्टार्ट इट नंबर वन तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है समर्थ का जो पोर्टल है दैट इज सी यू टी डॉट समर्थ डॉट ए सी डॉट इन आते ही पोर्टल के ऊपर लॉग इन विद योर आई डी और एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप जैसे ही नीचे आओगे यू विल सी योर रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर ठीक है आपको क्या करना है क्लिक टू व्यू करना है अपनी रिस्पॉन्स शीट के ऊपर और अगर आपको डेट और शिफ्ट याद नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बाद में बात करेंगे ठीक है तो जैसे आप क्लिक टू व्यू पे क्लिक करेंगे वी विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज सॉर्ट ऑफ डाउनलोड करना है इसको प्रिंट पे क्लिक करो बॉस हो जाएगा नीचे आके हमें क्या देखना है आपका पूरा जो उस शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उस शिफ्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स योर अटेम्प्टेड उसका पूरा क्वेश्चन पेपर विद योर रिस्पॉन्सेज यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे होंगे जैसे कि नंबर क्वेश्चन नंबर वन जैसे कि सेक्शन दिस इज अकाउंट्स ठीक है आप नीचे जाओगे सेक्शन एक्चुअली शिफ्ट फिफ्टी क्वेश्चन होते यहाँ पर बी एस टी है सोन एंड सोफोट एक पर्टिकुलर डे पे आपने जितने भी एग्जाम्स लिखे थे वो सब आपकी एक रिस्पॉन्स के अंदर आपको मिल जाएंगे ओके okay? सो so, आपके सभी रिस्पॉन्सेज यहाँ पर हैं भैया आंसर्स कहाँ से चेक करने हैं ठीक है नंबर वन जैसे आपको क्वेश्चन नंबर वन है ऐसे नहीं होगा यू हैव टू लुकआउट फॉर योर क्वेश्चन आई डी ठीक है अब जो आंसर की जो हमारे पास थी यू गो टू दिस आंसर की वाला पेज जैसे कि ये जो शिफ्ट थी दिस वॉज ऑन ट्वेंटी तो यू स्क्रोल डाउन टू देर बहुत बड़ी पी डी एफ है बट दिस इज समल है एंड में बात करेंगे उसके बारे में ताकि यहाँ पे आपको परेशान ना होना पड़े सो यू गो टू ट्वेंटी ठीक है यूल हैव योर सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे जैसे हेयर इट्स बिजनेस स्टडीज तो यहाँ से यू विल सी तो ये क्या है दिस इज योर क्वेश्चन आई ठीक है ये जो लेफ्ट वाला कॉलम है दिस इज फॉर योर क्वेश्चन आई एंड राइट वाला जो कॉलम है दिस इज फॉर योर करेक्ट ऑप्शन आई अब आपको क्या करना है कि यहाँ से जैसे ही आपने अपना क्वेश्चन आई कॉपी करा यू विल कम ओवर हेयर ठीक है यू सर्च फॉर दैट क्वेश्चन ठीक है वेट अ सेकेंड ठीक है सो यू कॉपी योर क्वेश्चन आई यू कम टू द आंसर की यू कॉपी एंड पेस्ट इड यू सर्च फॉर इट ठीक है यू सर्च फॉर इट और आपको आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएगा जैसे कि इट इज ऑन ट्वेंटी एट फिफ्थ एंड अकाउंटेंसी ऑल ऑल मैचिंग ठीक है यहाँ पर आके यू सी कि दिस वॉर यंड दिस इज योर ऑप्शन आई डी ठीक है तो ऑप्शन आई डी को आप मैच करेंगे ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट जीरो सेवेंटी थ्री ये सब सेम है लास्ट के चार्ज हैं दो हज़ार डिजिट जो कि वेरी करेंगे तो जीरो एट जीरो फाइव तो यहाँ पे आके यू विल सी कि यूड आंसर दिस क्वेश्चन और चोजन ऑप्शन इज़ वन ऑप्शन वन का आई डी इज़ जीरो एट जीरो फाइव यू सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज़ जीरो जीरो फाइव यहाँ पर भी इट इज़ जीरो एट जीरो फाइव जो आपने चूज करा था दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया है एक पेन एंड पेपर लेके बैठो क्वेश्चन वन टू थ्री फोर ऐसे लिखो और हर क्वेश्चन को मैच करके मेक अ टैली सॉर्ट ऑफ सिस्टम जिससे आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है कौन सा गलत है अगर आ, push, जो हमारा जो आंसर की है प्रोविजनल आंसर की उसके अंदर आप देखते हैं कि एक जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो ऑप्शन रॉन्ग है मेक श्योर की जो आपने एक पेज के ऊपर जो पूरा एक टैली बनाया है उसके ऊपर यू पुट ओ या फिर डी डाउट लिख लो ताकि यू कैन चैलेंज इट ठीक है सो so, हमने देख लिया कि हाउ डू यू चेक योर रिस्पॉन्स शीट हाउ डू यू मैच द आंसर्स डन या सम पीपल ऑल्सोड मी कि उनको उनका कुछ शीट्स नहीं दिख रहा है तो देखो आई हैव टॉक टू पीपल एंड दो पीपल हैव टॉक टू है तो यही बात थी कि रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी होपफुली आ गई होगी आज तक अगर आपको कुछ एग्जाम्स का नहीं दिख रहा है सो द वे टू डू देट अगर अभी तक भी नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ कॉल अप एन टी ए मेल दम अपना रोल नंबर अपलीकेशन आई और अपना शिफ्ट लिख के एंड मेक श्योर कि आप करवा के उसको वहाँ पर ला रहे हो वापस क्योंकि ये शो फिक्स हो जाना चाहिए था बट अगर वीडियो लाइव होने तक नहीं होता है तो प्लीज़ मेल दम एंड कॉल एन टी एके चैलेंजिंग क्वेश्चन चलो इट्स मोव टू हाउ डू इज एक्चुअली चैलेंज द क्वेश्चन तो यहाँ तक स्क्रोल करने के बाद इफ़ यूल गो डाउन हेयर टू व्यू स्लैश चैलेंज द आंसर की यू क्लिक ऑन दैट ये वाला जो ये वाला जो पेज है दिस पेज विल ओपन अप ठीक है और ऑल्सो यहाँ पे यू विल सी योर शिफ्ट यो सब्जेक्ट एवरी थिंग सो एंड सो फोर्थ तो अकाउंटेंसी के अंदर क्वेश्चन आई डी ये था एंड आपका करेक्ट ऑप्शन आई डी ये था ना मेरा एक एडवाइस क्या रहेगा आंसर और क्वेश्चन मैच करने का इंस्टेड ऑफ योर वट यू कॉल इट जो आपका जो रिस्पॉन्स शीट था अगर एक स्विफ्टली वे में करना है तो आप यहाँ से एक बार जल्दी जल्दी करके मैच कर सकते हो बाकी जो एक्चुअली एक ढंग का वे है ताकि आप यू कैन be श्योर sure कि मुझे कौन सा क्वेश्चन चैलेंज करना है नहीं तो आई would से कि रिस्पॉन्स शीट जस्ट उसको लेके बैठो। बट अगर एक क्विक वे में आपको चेक करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं जस्ट टू गेट लाइक सीधा जल्दी जल्दी से स्कोर देख लूँ तो जस्ट मैच दम फ्रॉम हेयर ठीक है ये चीज़ क्लियर होगी अब क्वेश्चन को चैलेंज कैसे करना है ठीक है तो लेट से कि uh, आपका क्वेश्चन आई डी है ऑप्शन आई डी है यू आर नॉट सेटिसफाइड विद इट आपको लगता है कि इसका जो आंसर है दैट शुड नॉट बी जीरो एट जीरो फोर बट यू वॉन्ट टू योर मतलब यू आर श्योर कि इसका जो ऑप्शन है इट शुड नॉट बी जीरो एट जीरो फोर आदर इट शुड बी जीरो ऐट जीरो टू सो आप उसको सिलेक्ट करेंगे टिक करेंगे या आपको ये भी हो सकता है कि चार ऑप्शन में से कोई भी ठीक नहीं था तो गो गोल्ड एंड सिलेक्ट नन ऑफ दिस मतलब आपके हिसाब से कि चार ऑप्शन गलत थे आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द सेक्श जैसे यहाँ पे अकाउंटेंसी था फिर वी आर विद बी एस टी ठीक है फिर इकोनॉमिक्स एंड सो फोर्थ आपने सबके अंदर सिलेक्ट कर लिया कि ये ये ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट होने चाहिए रिमेंबर डेट्स ट्वेंटी नाइन टू फर्स्ट हैं चैलेंज करने के लिए

एक जुलाई को भी रात के ग्यारह पचास तक इज योर डेड लाइन फॉर सबमिटिंग द फीस ठीक है सी एक डाउट मुझे बहुत है कि भैया क्या अगर मैंने एक क्वेश्चन को चैलेंज किया तो विलाई बी द ओनली वन जिसको उसका मार्क मिलेगा तो नहीं यहाँ पर बढ़िया से अटैलिक फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट द आंसर की विल बी रिवाइज एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली यानी कि अगर एक ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन के अंदर आंसर की के अंदर आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए बट आपके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है ठीक है और ऑप्शन सी आपने चैलेंज कर दिया इट इज फाउंड टू बी करेक्ट और वो एक लाख बच्चों का डाउट था वो सेम तो अगर किसी ने फीस नहीं भी भरी है तो भी उसका वो करेक्ट होके उनका जो टोटल जो स्कोर है वो रिवाइज हो जाएगा नंबर वन नंबर टू अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई ना कोई तो इसको चैलेंज कर ही देगा या स्लैकिंग अराउंड तो आई वुड से भाई प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़ पे दिस फीस अप जस्ट फॉर द मतलब पीस ऑफ योर माइंड कि यू कैन बी श्योर अबाउट इट और एक बारी बस दिमाग से यार दिक्कत खत्म हो जाए कि कोई चैलेंज करे या ना करे तो बस थोड़ा मतलब अच्छे से नींद आ सके रात में इस वजह से

अभी एक लाइव सेशन आने वाला है वीडियो लाइव होने के कुछ ही देर के बाद या फिर हो सकता है लाइव सेशन थोड़ा सा लेट हो बट विल बी देर विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चन कौन से मार्क्स के ऊपर कौन सा कोर्स कॉलेज मिलने वाला है मेक श्योर टू ज्वाइन दैट एंड मे बी देर वर इन द वीडियो हिट मी अपन द कॉमेंट्स अगर आपको पता चले एंड ऑल्सोल्सो ऑल्सो कॉमेंट डाउन ऑल योर स्कोर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई मेक शोर टू आंसर देम अपने अपने सब मुझे अपना स्कोर बता दो किसका सेवन एटी किसका सेवन एटी फाइव है सेवन फिफ्टी है एंड प्लीज मैंशन कर देना अपना कैटेगरी और आप कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो तो आई कैन गिव्यू अ बटर आइडिया बाकी आप कंपाइल डेटा ऑफ अराउंड सेवन हंड्रेड स्टूडेंट्स तो आह स्कोर्स अच्छे आए हैं सभी के बट लेट्स जस्ट सी लेट्स ऑफ फॉर द बेस्ट एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो